तो महिलाओं में यदि काम करने का जज्बा हो और हाथों में हुनर हो तो फिर पहचान पाने के लिए आसमां भी छोटी पड़ जाए। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बिहार के मधुबनी जिले में, जहां जिले की 7 बेटियां अपने हुनर से देश के तीसरे सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री को जीत चुकी हैं। 2021 में इस बार मधुबनी की बेटी दुलारी देवी को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया है। तो महिला दिवस के मौके पर दुलारी देवी का सभी महिलाओं और नए दौर की लड़कियों का कहना है कि अपने अधिकारी को कभी भी न छोड़े, उस पर हमेशा अडिग रहे, साथ ही सीखने का जज्बा भी महिलाओं में बना रहे। तो महिला दिवस के अवसर पर उन्हें मिथिला परंपरा से सम्मानित किया गया। सीखलहुँ, आगू बढ़लहुँ, तहिना बच्चो सबके आगू बढ़के कोशिश करैत, बच्चा सब अपन नाम रोशन करैत मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग। अधिकार लेबाक चाही, अधिकार नहि छोड़क चाही महिला सबके, से हम कहै छियनि। ये चीज़ को रखें कि एकता एकजुट करके मतलब ताकत बनती है हम लोग की, और हम लोग चाहेंगे कि हमेशा काम करें और आगे बढ़ें, और हर किसी को अपने पर निर्भर होना चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं, और हमेशा